हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्स। मैं हूं रवीश, और जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल का 13वां सीजन जो है वो शुरू ही होने वाला है। बस कुछ ही देर और रह गए हैं, कुछ ही दिन और रह गए हैं इनफैक्ट, और फिर आईपीएल का जो 13 सीजन है वो शुरू हो जाएगा। इसी दौरान एनएन स्पोर्ट्स आपके लिए एक सीरीज लेकर आया है जिसमें हम आपको हर सीजन की आईपीएल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और जो आपने वीडियोस पिछले देखे होंगे उसमें 4 सीजन की हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि 5वें सीजन आईपीएल में क्या धमाल हुआ था। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की शुरुआत में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में दुनिया की सबसे पॉपुलर लीग आईपीएल में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 29 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2020 का पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रनर अप चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2019 के फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम किया था। आज हम यहां आईपीएल के 5वें सीजन की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जो साल 2012 में खेला गया था। आईपीएल 2012 का फाइनल मुकाबला 27 मई 2012 को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था। साल 2012 में खेले गए आईपीएल के 5वें सीजन में गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स ने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स जहां पहले क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स को हराकर फाइनल में पहुंची थी, तो वहीं दूसरे क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी दिल्ली डेयरडेविल्स को हराकर ही आईपीएल के 5वें सीजन के फाइनल में जगह बनाई थी। आईपीएल 2012 की अगर बात करें तो इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के धमाकेदार बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑरेंज कैप को हासिल किया था। क्रिस गेल ने इस सीजन सबसे ज्यादा 733 रन बनाए थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मोने मॉर्कल, जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले थे, उन्होंने 25 विकेट चटकाए थे और उन्होंने जीती थी पर्पल कैप। इससे पहले कि हम आईपीएल के 5वें सीजन के बारे में आपको और भी जानकारी दें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं आईपीएल के 5वें सीजन की। आईपीएल के 5वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सलामी बल्लेबाज कैरेबियाई खिलाड़ी क्रिस गेल ने इस सीजन की ऑरेंज कैप को जीता था। क्रिकेट में यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने आईपीएल के 5वें सीजन की 14 पारियों में 733 रन बनाकर ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे ऊपर का मुकाम हासिल किया था और लगातार दूसरी बार ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया था। इससे पहले आईपीएल के 4थे सीजन में भी गेल ने ही ऑरेंज कैप को जीता था। हालांकि वो अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आईपीएल 12 का खिताब जिता पाने में कामयाब नहीं हो सके थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली डेयरडेविल्स के मोने मॉर्कल ने पर्पल कैप जीती थी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मॉर्कल ने 16 पारियों में 25 विकेट लेकर पर्पल कैप की जंग में पहला स्थान हासिल किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके इस पर कमेंट भी करें।